और गाइड कर रहे हैं इन्वायरमेंट के बारे में, जो एक बहुत बड़ा इशू है इन्वायरमेंट का, कि जब सीज़न चेंज होता है, मौसम चेंज हो रहा था, तो परिंदों को बहुत सारी बीमारी लगती है। उसके बारे में बताएं कि एक्यूरेट टेम्परेचर क्या होना चाहिए हमारे शेड का गर्मियों में और सर्दियों में? सर्दियों में आपका कोई 26 से 30 हो जाए बेस्ट है, और गर्मियों में आपका 30 से 35 तक हो तो बेहतर है। सर, जब वेदर चेंज हो रहा होता है तब हमें कौन सी केयर्स करनी चाहिए परिंदों की? जब वेदर चेंज हो रहा होता है कम से कम उन्हें पैनाडोल या ब्रूफन ज़रूर देना चाहिए। पैनाडोल, ब्रूफन, फ्लेजर और कोई थोड़ा सा हल्का फुल्का एंटीबायोटिक 5 दिन के लिए आप यूज़ करवा दें। सर, बहुत बड़ा इशू आता है गर्मियों में हवा के साथ लू चल रही होती है, परिंदों को लू लग जाती है, सर उससे कैसे प्रोटेक्शन किया जाए शेड की? जैसे लोग सर्दियों को कवर करते हैं अपने शेड को, गर्मियों से को भी कवर करना चाहिए, और गर्मियों में कपड़े से कवर कर देना चाहिए, पॉलीथीन वगैरह ना लगाएं, डायरेक्टली लू ना लगे, थोड़ा सा हिस्सा वेंटिलेशन के लिए खुला रहने दें। ये नवीद भाई ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है शेड के हवाले से, कि लोग जो सर्दियों में कवर करते हैं शेड को, लेकिन गर्मियों में वो शेड उतार जो कवरेज होती है वो उतार देते हैं, अपनी टोटल कवरेज नहीं उतारनी शेड की, कुछ वेंटिलेशन रहने देनी है वहाँ पर, कुछ वेंटिलेशन करेंगे शेड में ताकि परिंदों को लू ना लग सके। सर, अगर सर्द हवाओं से कैसे बचाया जाए परिंदों को? सर्द हवाओं में आप पॉलीथीन से ढांप के रखे हैं, हवा डायरेक्टली ना लगे बर्ड को। सर, हमें क्या परिंदों को ओपन इन्वायरमेंट का आदि करना चाहिए? जी, ओपन का भी करना चाहिए, और जब सीज़न ख़त्म हो जाए तो आप उन्हें ओपन एरिया में छोड़ें। ओपन एरिया से मुराद को खुली फ्लाइंग बनाएं आप इनकी, इनको फ्लाइंग देंगे तो आने वाला सीज़न आपका अच्छा होगा। जितनी बर्ड की फ्लाइंग ज़्यादा होगी उतनी वो उनको बीमारियाँ कम लगेंगी। सर, क्या फीड में कुछ चेंजिंग करनी चाहिए जब हम इसे ओपन एनवायरनमेंट देते हैं? नहीं, वही होनी चाहिए फीड आपकी। सर्दियों और गर्मियों की अलग अलग होती है, गर्मियों में कुछ चीज़ें कम हो जाती हैं, सर्दियों में कुछ चीज़ें उनकी तादाद बढ़ जाती है, और एक दो चीज़ें और साथ में ऐड हो जाती हैं।